जैसे कि आप सभी को पता है आज भी हम आप सभी के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं इसमें लिखा ए अनुपात बी बराबर आठ अनुपात पंद्रह और लिखा है बी अनुपात सी बराबर लिखा है आठ पाँच अनुपात आठ और सी अनुपात डी बराबर लिखा है पाँच चार अनुपात पाँच हो तो ए अनुपात डी का वैल्यू ज्ञात करें सबसे पहले दोस्तों इसको देख कर आसानी से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर सिर्फ देखिए बी यहाँ पर दो बार यहां भी भी है यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है ठीक है तो यहाँ पर क्लियर है लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों ए जो है ओनली फॉर एक बार है डी जो दोस्तों एक बार है ठीक है तो इसको कुछ कुछ क्वेश्चन को आपको देख कर ही आप यहाँ पर शॉर्ट आउट कर सकते हैं कैसे शॉर्ट आउट करेंगे आप यहाँ पर देखिए दोस्तों ए का वैल्यू क्या है ए का वैल्यू यहां पर देख पा रहे हैं ए यहीं पर है तो ये यहाँ पर है दोस्तों तो ये का वैल्यू कितना है यहाँ पर आठ है तो यहाँ पर दोस्तों आठ दिया गया है फिर यहाँ पर दिया गया है पाँच दिया गया है यहाँ पर चार दिया गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए सबको पहले क्या करना पड़ेगा सभी को एक लाइन में खड़ा करना पड़ेगा खड़ा करने के लिए दोस्तों बहुत सारा तरीका है जो सबसे आसान तरीका हम वो तरीका आपके पास रख रहे हैं देखिएगा कैसे किसके किस, किस प्रकार से यहाँ पर बना रहे हैं बहुत ईजी है दोस्तों यहाँ पर ए अनुपात बी उसके बाद आठ अनुपात पंद्रह उसके बाद दोस्तों यहाँ बी अनुपात सी उसके बाद दोस्तों लिखा है पाँच अनुपात आठ अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है कॉमन है बी अब बी कॉमन है तो यहाँ पर कितने हैं पंद्रह और यहाँ भी पंद्रह करने होंगे तो इसको हम क्या करेंगे तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे जब एक अनुपात को तीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरों को भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है इसको भी हम क्या कर कर देंगे तीन से मल्टीप्लाई यानी यहाँ भी पंद्रह हो जाएगा और यहाँ भी पंद्रह हो जाए बी का वैल्यू क्लियर यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह सकते ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों को खड़ा करते हैं तो ए का आठ बी का पंद्रह और सी का कितना हो जाएंगे जाएगा आठती चौबीस अगर ये कटेगा तो हम क्या करेंगे काट देंगे नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों का काम हमारा हो चुका अब सी और डी बाकी है तो सी अनुपात डी तो सी अनुपात बी है दोस्तों तो यहाँ पर लिखेंगे C का अनुपात कितने हैं चार चार अनुपात कितने हैं पाँच अब C C यहाँ पर कॉमन है दोस्तों तो यहाँ पर कॉमन है तो इसको किस संख्या से गुना करेंगे ताकि ये चौबीस हो जाए तो यहाँ पर अगर हम इसको आठ से गुना कर देंगे अगर दोस्तों आठ से गुना कर देंगे तो आठ चू के बत्तीस हो जाए तो छः से हमको गुना करेंगे तो छः चूके कितने होंगे चौबीस जब इसको हम छः से गुना किए तो इसको भी हमको छः से मल्टीप्लाई करने होंगे अब यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ए का वैल्यू कितने हो जाएंगे आठ बी का वैल्यू कितने हो जाएंगे पंद्रह सी का वैल्यू कितने हो जाएंगे दोस्तों चौबीस और डी का वैल्यू छः पचे तीस अब यहाँ पर सारे का सारे एक लाइन में खड़ा हो चुके लेकिन हमको सिर्फ पूछा ए और डी का मान तो ए और डी का मान पूछा है तो दोस्तों ए अनुपात डी ए का वैल्यू कितना है आठ है और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों तीस है इसको हम क्या करेंगे काट के छोटा कर लें यह कितना हो जाएगा चार और यह हो जाएगा पंद्रह यानी यही इसका सही आंसर है चार अनुपात पंद्रह यानी कि ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल भी सही जवाब है तो इस प्रकार से इसको बना सकते वैसे रेशियो बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है हमने पहले बहुत सारा वीडियो अपलोड किए रेशियो के लेकर तो वो वीडियो जरूर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें आई आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी भी आई लिखेंगे जब किसी संख्या के पचहत्तर परसेंट में पचहत्तर जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है तो संख्या क्या है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों जब किसी संख्या के पचहत्तर में पचहत्तर जोड़ते हैं तो क्या होता है वही संख्या प्राप्त होता है तो यहाँ पर कंसिडर करते है, हैं मानते हैं कि वो संख्या क्या है x है अब x से तो इस संख्या का 75 परसेंट निकालते यानी कि दोस्तों x का कितना 75 परसेंट एक्स का 75 परसेंट कितना करते 75 जोड़ते अब 75 जोड़ते तो वही संख्या प्राप्त होती यानी कि हमें क्या प्राप्त होती x ही प्राप्त होती अब यहाँ से क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से काटेंगे 25 से पच्चीस या पचहत्तर पच्चीस चौके यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सौ या तो आप नहीं भी काट सकते आप इसी ट्राइप से भी रहने दे सकते हैं हमने क्या किया इसको काट दी काटने के बाद यह थ्री एक्स बटा फोर हो जाएगा थ्री एक्स बटा फोर हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों पचहत्तर बराबर एक्स माइनस थ्री एक्स बटा फोर इधर ले जाएंगे इसको हम क्या किए इधर लेते आए इधर ले आके हम क्या किए एक जात में हम कर दिए अब इसको हम एल्शियम निकालें एल्शियम निकालेंगे तो फोर एक्स में थ्री एक्स चला जाएगा तो क्या बचेगा एक्स यानी कि x बटे क्या हो जाएगा फोर बराबर कितने हो जाएंगे पचहत्तर इसीलिए हम कह सकते x बराबर क्या हो जाए क्रॉस गुना हो जाएगा यानी पचहत्तर चौके कितने हो जाएंगे दोस्तों पचहत्तर को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएंगे तीन सौ यही क्या है आपका सही रिजल्ट है यानी कि ऑप्शन टू आपका मैच हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन आपको यदि इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी थ्री रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से सात रुपया अधिक मिलता है तथा बी को सी से आठ रुपया अधिक मिलता है तो ए का हिस्सा बताए ए का हिस्सा बताने के लिए कहा जा रहा है तो कैसे निकालेंगे यह चीज़ सीखिए सबसे पहले तीन व्यक्ति ए व्यक्ति बी व्यक्ति सी व्यक्ति तीन व्यक्ति कहा जा रहा है तिरपन रुपया है फिफ्टी थ्री रुपया को तीन भाग में बांटना ए को देना है बी को देना है सी को देना बांटने का तरीका बोल रहा है कि ए को ए व्यक्ति जो है बी से इस बी से सात रुपया अधिक मिलता है ठीक है तो बी को कितना मिला पता नहीं आगे बढ़ जाएंगे फिर लिखा हो तथा बी को सी से बी को सी से आठ रुपया अधिक मिलता है तो सी का कितना वैल्यू ये ज्ञात नहीं तो सी को अगर हम मानते एक्स रुपया ये क्वेश्चन उल्टा की तरफ बनता है याद रखिए पीछे तरफ से अब x को मानते c को मान समझते हैं कि x रुपया मिलता है तो कहा जा रहा है b को c से आठ रुपया अधिक मिलता है यानी c को x रुपया मिला तो इसको कितना मिलेगा x प्लस एट आठ रुपया अधिक फिर लिखा हुआ दोस्तों a को b से सात रुपया अधिक मिलता है यानी इसको जितना मिलता है इससे सात रुपया अधिक मिलेगा यानी x प्लस एट प्लस सेवन ये हो गया ए का वैल्यू ये हो गया बी का वैल्यू ये हो गया सी का वैल्यू तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना रुपया है टोटल तिरपन रुपया देखिए यहाँ पर x प्लस, प्लस एट प्लस एट प्लस सेवन प्लस एक्स प्लस एट प्लस एक्स बराबर कितना है फिफ्टी थ्री रुपीज अब इसको सबको क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे यानी एक एक, 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 एक एक थ्री एक्स हो जाएगा थ्री एक्स और आठ आठ सोलह आठ चौबीस एक तेईस कितने हो जाएंगे यहाँ पर तेईस यानी कितने हो गए दोस्तों तेईस तेईस कितने हो जाएंगे तिरपन तेईस तिरपन में अगर तेईस चला जाएगा तिरपन में दोस्तों तेईस चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा तेईस इसको काट देंगे तो यह कितना आ जाएगा दस यानी एक्स बराबर कितना निकल चुका हमारा दस पूछा गया एक का हिस्सा ठीक है एक का हिस्सा कितना है दोस्तों एक का हिस्सा कितना है एक्स प्लस आठ प्लस पंद्रह यानी कि हमको जोड़ना पड़ेगा दस प्लस आठ प्लस सात तो सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितने रुपया आएगा पच्चीस रुपया यानी कि पच्चीस रुपया एक का हिस्सा कितना है पच्चीस रुपया यही आपका आंसर है ठीक है यानी ऑप्शन नंबर टू हमारा मैच हुई अगर यही चीज बी का पूछता तो ये दस रुपया इस पर बिठा देते यानी दस आठ कितने हो जाते अट्ठारह रुपया होता बी का हिस्सा और सी का हिस्सा कितना होता दस रुपया तो ए का हिस्सा पूछे बी का हिस्सा पूछे सी का हिस्सा पूछे किसी का भी हिस्सा पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और, और दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास रखेगी तो अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा गया है, राम के पास श्याम से राम के पास श्याम से छः रुपया अधिक है तथा मोहन से नौ रुपया अधिक है यदि तीनों के पास कुल तैतीस रुपया है तो राम का हिस्सा ज्ञात करें राम का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे ज्ञात करें ऐसे समझते हैं कि अगर हम कहते हैं अगर हम कहते हैं कि आपके पास जितना भी धन है उससे पचास रुपया अधिक है आपके पास जितना भी जैसे समझिए दो व्यक्ति एक व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति हैं यह व्यक्ति कह रहा है इसके पास जितना भी पैसा उससे पचास रुपया क्या है? हमारे पास अधिक है अधिक है तो ये तुरंत कहेगा कि जितना भी आपके पास है उससे मेरे पास पचास रुपया क्या है कम है यानी कि मैटर एक ही लेकिन एक ने कहा कम तो एक ने कहा अधिक वही चीज यहां भी हमको करने राम है यहां पर क्या है दोस्तों राम है और यहां पर श्याम है और यहां पर क्या है मोहन है ठीक है कहा जा रहा राम के पास छ रुपया अधिक है तो तुरंत कहेगा कि राम के पास जितना भी धन है उससे क्या है छ रुपया कम है कौन कहेगा श्याम ठीक है तथा मोहन से नौ रुपया अधिक है मोहन से क्या है नौ रुपया अधिक है ठीक है दोस्तों यहां पर समझिएगा राम के पास कितना धन है यह पता नहीं तो यह राम के पास हम मानते हैं कि राम के पास एक्स रुपया है तो यहां पर कह रहा है राम के पास श्याम से राम के पास श्याम से एक्स रुपया अधिक है तो तुरंत यह कहेगा यह व्यक्ति कहेगा राम के पास जितना भी धन है उससे मेरे पास छः रुपया क्या है कम है अधिक था तो हम क्या किए कम करते यही इसका ट्रिक है आसान बनाने के लिए ठीक है उसके बाद क्या कहा जाए तथा मोहन मोहन के बारे में कहा जा रहा है मोहन से नौ रुपया अधिक है कौन है अधिक है राम ही अधिक है राम ही कह रहा है ठीक है राम ही ने कह, ही ने कह तो मोहन कहेगा राम के पास जितना भी धन है उससे नौ रुपया क्या है कम है यानी एक्स माइनस क्या हो जाएगा नाइन इस प्रकार से टोटल कुल कितना धन है तैंतीस रुपया यानी कि सभी को अगर आपस में प्लस कर देंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों तैतीस रुपया हो जाएंगे हमारा ठीक है तैतीस रुपया हो जाए यह मोहन का था यह राम इस श्याम का था और यह जो था हमारा राम का सभी को दोस्तों आपस में जोड़ेंगे तो एक्स 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 थ्री एक्स हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर नौ और छः कितने हो जाएंगे नौ छः पंद्रह बराबर हो जाएंगे तैंतीस पंद्रह माइनस पंद्रह को इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा यानी कि तैंतीस में अगर पंद्रह जोड़ते हैं तो कितने होते हैं फोर्टी एट अब इसको हम काट देते हैं तो कितने आ जाते हैं सोलह यानी x बराबर कितना निकल चुके 16 और पूछा जा रहा राम का हिस्सा राम का हिस्सा कितना था x था तो यही क्या हो गया आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर तीन हमारा क्या हो गया दोस्तों मैच हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दिखाते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर लिखेगी यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी को हम लाएं ये सब सारा क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन रहता है दोस्तों इसको समझने में थोड़ी सी समय आपको लग सकते हैं इसीलिए ध्यान से सीखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा विनोद के गणित में प्राप्तांकों का एक बट्टा तीन भाग उसके द्वारा समाजशास्त्र समाज, समाज अध्ययन में प्राप्तांकों के एक बटा दो भाग से तीस अधिक है यदि उसके दोनों विषयों को मिलाकर प्राप्तांक 240 हो तो उसको समाज अध्ययन में कितने अंक प्राप्त हुए हैं समाज अंक में कितने प्राप्त हुए हैं तो ऐसे समझिए सिंपल सा लैंग्वेज में हम आपको यहाँ पर बता दें अगर करें कि सौ रुपया हम दे रहे हैं और दो भाई हैं दोनों भाई में बांटवारा करने के लिए कहा जा रहा तो कितना कितना बांटिएगा बहुत सारे लोग कहेंगे फिफ्टी फिफ्टी बांटेंगे तो क्या हमने कहा आपको कि आधा आधा बांटिए नहीं जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक आप अपने मन से नहीं बांट सकते हाँ अगर हम कह देंगे कि आप एक आदमी सिक्सटी रुपया लीजिएगा तो तुरंत कहिएगा दूसरा आदमी कितना लेगा चालीस रुपया ये चालीस रुपया कैसे आया होगा सौ में माइनस सिक्सटी किया होगा तब चालीस आया होगा तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे अगर एक आदमी को अगर हम एक्स रुपया देंगे तो दूसरे आदमी को कितना देंगे सौ माइनस एक्स यही होगा आपका ट्रिक इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन बनाएंगे कहा जा रहा है उसने यदि उसने दोनों विषयों को मिलाकर 240 अंक प्राप्त किया दोनों है दोनों विषय को मिलाकर कितना 240 अंक तो अगर हम कहते हैं कि एक व्यक्ति को जो है एक विषय में अगर एक अंक प्राप्त हुआ होगा तो दोनों विषयों में टोटल कितना है 240 240 यानी 240 माइनस क्या हो जाएगा एक्स दो सौ माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है दोस्तों कि यदि विनोद के गणित में यह क्या हो गया गणित का और यह हो गया आपका समाज का गणित में विनोद के गणित में प्राप्तांकों का एक बटा तीन भाग कितना है एक बटा तीन भाग इंटू एक बटा तीन प्राप्तांकों के एक बटा दो भाग से एक बटा दो भाग से इंटू एक बटा दो भाग से कितना अधिक है तीस अधिक है बराबर तीस अभी आपको हम बताएं अधिक बोले चाहे कम बोले यहाँ पर हमेशा आपको क्या करना है माइनस करने इसीलिए हम क्या किए यहाँ पर माइनस कर दिए अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको बनाएंगे देखिए कैसे बनाते हैं 240 बटा क्या कर देंगे तीन माइनस एक्स बटा कितने हो जाएंगे तीन माइनस एक्स बटा कितने हो जाएंगे दो बराबर तीस इसको काटेंगे तो आठ तीन चौबीस यानी यहाँ पर हो जाएगा अस्सी और दोस्तों इसको हम एल्शियम ले लेंगे यह x को अस्सी को क्या करते इधर भेज देते हैं या तो आप इसको इधर भेज दीजिए या तो इन दोनों को इधर भेज दीजिए इसी को इधर भेजते हैं तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा अस्सी माइनस तीस बराबर कितने हो जाएंगे पचास अब इन दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों जुड़ जाएगा यानी कि एक्स बटा थ्री प्लस एक्स बटा टू क्लियर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं पचास हो जाएगा यहाँ पर बराबर होगा दोस्तों यह कितने हो जाएंगे नीचे में छः और ऊपर में कितना हो जाएगा फाइव फाइव एक्स फाइव एक्स बटा सिक्स हो जाएगा अब इसको हम काट देंगे तो कितने हो जाएंगे यह दस अब इससे क्रॉस गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों एक्स बराबर सिक्सटी यानी कि समाज अध्ययन में कितना अंक प्राप्त हुआ था दोस्तों सिक्सटी क्योंकि यह जो वैल्यू था हमारा समाज का था किसका सा समाज का और ये जो था दोस्तों गणित का था ठीक है गण समाज में हम क्या माने थे एक्स और एक्स का वैल्यू हमारा निकल चुका साठ यानी कि साठ अंक जो है प्राप्त हुआ था किस में प्राप्त हुआ था दोस्तों समाज में तो गणित में कितना प्राप्त हुआ होगा 240 में 60 हम क्या करेंगे लेस कर देंगे तो लेस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही क्या होगा गणित का प्राप्तांक होगा क्योंकि दोनों विषयों को मिलाकर 240 अंक आया था तो दोस्तों आज का वीडियो का सेक्शन हम यहीं तक रखते हैं आपको यह हमारा वीडियो कैसे लगा नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग